का गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। जॉब्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स एक्सेट्रा की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आरडीडी महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट के बारे में। जो सभी इंटरेस्टेड एलिजिबल एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वह अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट से पहले। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट catchyjobs.com पे। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र ने आरडीडी महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2019 की नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। जो सभी इंटरेस्टेड एलिजिबल एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट डेट 16 अप्रैल 2019 से पहले। इसमें टोटल 13,521 हेल्थ वर्कर एंड सुपरवाइजर की पोस्ट है। आरडीडी महाराष्ट्र जॉब्स में अप्लाई करने के लिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th class, 12th class और ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। इसकी मिनिमम एज 28 ईयर्स और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स रहेगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जर्नल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी 500 पे करनी है और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फ़ी 250 पे करनी है। इसे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर जाके होम पेज पर दिए हुए आरडीडी महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट 2019 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट के जरिए आपको कुछ डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाए हैं जिसके ज़रिए आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।